छत्तीसगढ़ जगदलपुर नागरनार में निर्माणाधीन NMDC प्लांट निजीकरण के विरोध फिर से शुरू हो गया है। इसके तहत 11 अप्रैल से लगातार ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने प्लांट एरिया में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरनार स्टील प्लांट के लिए किए गए अधिग्रहण के तहत जमीन देने वाले किसानों को NMDC प्लांट में नौकरी जरूर मिला, लेकिन जब से प्लांट निजीकरण होने की सुगबुगाहट होने लगी तब से प्लांट में काम कर रहे 700 कर्मचारी की चिंता बढ़ने लगी है। वहीं सचिव ट्रेंड यूनियन का कहना है कि जब 2001 में जमीन गया था तब हम लोगों ने भरी विरोध के बाद हम लोगों ने दिया, लेकिन 2010 में जब जमीन भूमि अधिग्रहण किया गया तो यहाँ NMDC लिमिटेड कंपनी है, वो रत्न कंपनी है, उसको क्या है देखे हम लोग और उसके बाद जमीन राजी से दिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है और यहाँ का लोकल मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि ये मोदी सरकार की रणनीति है, मोदी सरकार डीपीएम का है, लेकिन हम लोगों को तो ये जो लोकल मैनेजमेंट है और हैदराबाद की जो टीम है इनके ऊपर साजिश का हम लोगों को लगा हुआ है। जब से हम लोगों को डीमर्जर का फैसला यहाँ 8 तारीख से वायरल हुआ कागज, उसके बाद क्षेत्र में और भू प्रभावित लोगों में बहुत आक्रोश है और हम लोग इसको लेकर के रोज़ सुबह ED ऑफिस में नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारा एक ही मांग है, यदि NMDC में हमारा नौकरी लिमिटेड में रहना चाहिए जिसको देख करके हम लोगों ने नौकरी दिया मतलब जमीन दिया है, या फिर यदि ऐसा प्राइवेट करती है तो हमारा जमीन वापस करें। अभी हमारे NMDC में है कर्मचारी 750 के आसपास हैं जो जिसकी ज़मीन गए वो लगे हैं, और हम लोग जब से वायरल हुआ व्हाट्सएप में डीमर्ज का तब से हम लोग का आक्रोश है कि हम लोग का एक भय है कि हमारे आने वाला समय में क्या होगा। तो हम लोग मैनेजमेंट से अभी चर्चा पे चल रहा है, बातचीत में कर रहे हैं, फेडरेशन से भी चर्चा करेंगे और आने वाला समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जिसका पूरा प्लांट बंद कर सकते हैं। और हम लोग एक मुहिम छुपे अभी प्रशासन ग्राम सभा करा रही है गांव-गांव में, तो वहाँ पे हम लोग ने पूरा ग्रामवासियों को जागरूक करके बोला गया है कि ये निजीकरण किया जा रहा है, डीमर्ज किया जा रहा है, इसके विषय में हम लोग का एक ही मांग है कि हमारा जमीन वापस करो। TCP 24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।